बाद ये लोगों के पैसे खा जाते हैं और फरार हो जाते हैं। मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं। किसी की गाड़ी कट गई है, किसी की बिक गई है, किसी की गाड़ियों का कोई नामो निशान नहीं है। ये नहीं है कि हमने अपना दफ्तर बंद करके तो भाग जाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल अकरम और आप देख रहे हैं उर्दू मीडिया। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जिनमें अवाम को ये बताया गया था कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन और वाबड़ा टाउन में एक माफिया सरगर्म है जो लोगों को रेंट ए कार के नाम पर फ्रॉड बाजियां कर रहा है। चंद रोज बाद उनकी गाड़ियों को पहाड़ी इलाकों पर सेल कर दिया करते थे जिससे पब्लिक को काफ़ी नुकसान हो रहा था। मैं एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर अल हरमैन ट्रांसपोर्टर्स के मालिक और उनकी दुकान खुली हुई है। हम जाके उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या मौकफ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वाले सलाम रहमतुल्लाह, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम सरदार मुजम्मिल। सरदार साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप अल हरमैन ट्रांसपोर्टर्स के क्या हैं? खुर्रम शहजाद का मैं बड़ा भाई हूँ। खुर्रम शहजाद साहब के बड़े भाई? हाँ जी। आप पर जो ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सारे मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं जो खुद से गाड़ ली गई हैं। एक आदमी कोई भी पाकिस्तान में जो कारोबार करता है ना, उसका मुख्तलिफ लोगों के साथ लिंक होता है। कहीं से चीज़ उसने लेनी होती है, कहीं पे चीज़ उसने बेचनी होती है। हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉपरली हम टूरिज़्म का काम करते हैं, सऊदी अरब में और यूएई में हम काम करते हैं। उमरा एजेंट को हम सर्विस देते हैं। पाकिस्तान के जितने बड़े उमरा एजेंट हैं वो सभी हमसे सर्विस लेते हैं। जो लोग उमरा करने के लिए जाते हैं वहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ चाहिए होती है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। अंदरून पाकिस्तान में गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज से कुछ 3 माह पहले एक मिसहैप हो गया था जिसकी FIR जो हमारा क्लाइंट था राना ज़ुल्फ़कार, उनकी मुदय्यत में फैसलाबाद जड़ावाला थाना में दर्ज हुई थी। नासिर बाजवा साहब SP थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन की, उन मुलजमान को अरेस्ट किया, उनसे गाड़ियाँ बरामद हुई, प्रॉपर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद उसी ग्रोह से जो गाड़ियाँ बरामद हुई थी, कुछ गाड़ियाँ बीच में मिसिंग रह गई थी। हमारे लोगों के साथ एग्रीमेंट होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी जो आपने हमें दी हुई है उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो गाड़ी चोरी हो जाए, किसी वकूए में वो टोटल लॉस हो जाए, उसका अगर पूरा नुकसान हो जाए, तो हमने ना मालिक की तरफ से गाड़ी इंश्योर्ड करवाई होती है, उसमें ट्रैकर इंस्टॉल होता है। तो अगर कोई गाड़ी नुकसान हो जाए तो नुकसान की सूरत में हम ये नहीं है कि हमने अपना दफ्तर बंद करके तो भाग जाना है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने की पाबंद है। आपको क्या तरीकाकार है जब कोई आप किसी से गाड़ी लेते हैं तो उनको क्या किस तरीके के तहत उनसे उनका जो है प्रॉपर्टी या उनकी जो गाड़ी ली जाती है? हम जब भी किसी से गाड़ी लेते हैं तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय पाती है, किराया उसका तय पाता है, 1 साल का मिनिमम एग्रीमेंट किया जाता है और 1200 रुपये के स्टाम्प पेपर पे शरायत व जवाबत दर्ज किए जाते हैं। उन शरायत में से एक शर्त ये भी होती है कि अगर गाड़ी चोरी हो जाए, अगर गाड़ी टोटल लॉस हो जाए, ठीक है, उस सूरत में गाड़ी का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से लिया जाता है। हमारी कंपनी जो है हरमैन ट्रांसपोर्ट एंड होटल रिजर्वेशन कंपनी, जो डेप्रिसिएशन के पैसे होंगे, जो पैसे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में से डिडक्शन करेगी, हम वो पे करने के जिम्मेदार हैं। कितना परसेंट वो पहले साल में, अगर सपोज गाड़ी 2020 मॉडल है तो वो अगर लॉस हो जाती है तो उसका 5% डेप्रिसिएशन होता है जो हम पे करते हैं। वैसे तो ऐसा कोई मिसहैप हुआ ही नहीं। हम अरसा तकरीब 2012 से हम काम कर रहे हैं, कोई भी मिसहैप नहीं हुआ। यहाँ पर लाहौर में बहुत बहुत बड़े वाकियात हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि हर दफ़ा हम बच जाते रहे, हमारा नुकसान या हमारी गाड़ियाँ रिकवर हो जाती रही टोटल की टोटली। अभी तक कितनी गाड़ी रिकवर की आपने? अभी तक जो है ना टोटल हमारे पास गाड़ियाँ चल रही थी वो 65 थी, जिनमें से 58 गाड़ियाँ जो हैं जिन जो ओनर्स थे ना, वो ओनर्स के जो एग्रीमेंट थे उनको वापस जा चुकी हैं। मेरा नाम आमिर सरफराज है। मैं पिछले 3 साल से खुर्रम शहजाद साहब के साथ गाड़ियों के काम कर रहा हूँ। मैं 3 साल से उनसे गाड़ियाँ रेंट पे ले रहा हूँ। आज तक मुझे खुर्रम शहजाद साहब से किसी किस्म की कोई शिकायत या कोई किसी किस्म का कोई मसला दरपेश नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमर है। मेरी एक गाड़ी LED 18 700 खुर्रम साहब ने रेंट पे ली थी मुझसे कॉन्टेक्ट करके।
और 2-3 माह मैंने उनको ये गाड़ी दी थी और उनके साथ सही सेटअप चल रहा था, बट उनके क्राइसिस की वजह से जो है ना मामला ख़राब हुए और उन्होंने मुझे गाड़ी मतलब इस्लामाबाद से रिकवर करवा के दिया। मैं खुद इस्लामाबाद गया था और जिस क्लाइंट के पास चल रही थी फिर मैं उससे गाड़ी लेके आया था। मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई थी, जो कि खुरम भाई ने उसके बाद टोटली अपने एक्सपेंसेस पे मेरी गाड़ी वापस मंगवा दी। अलैकुम, मेरा नाम वसीम है। मैंने अल हरमैन ट्रांसपोर्ट पे खुरम भाई को अपनी गाड़ी दी थी 1 साल के लिए। 1 महीना पहले मैंने खुरम भाई को कहा कि मेरी गाड़ी मुझे वापस कर दें, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आपकी गाड़ी इस्लामाबाद में है, तो आप जिस बंदे के पास आपकी गाड़ी है उसका मुझे उन्होंने नंबर दिया और मैं इस्लामाबाद जाके खुरम भाई से उनकी बात करवाई। उन्होंने मेरी गाड़ी मुझे हैंड ओवर कर दी, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी लेके वापस आ गया। ये मेरी गाड़ी है, मेरे पास मौजूद है। ये मुझे गाड़ी 1 महीना पहले मिली है, जब इनके साथ कुछ मामला ख़राब हो गए थे उसी दौरान इन्होंने मुझे मेरी गाड़ी वापस की है, ठीक है। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली है जी। मैंने खुरम भाई को गाड़ी दी थी रेंट पे, ये उसका कॉन्ट्रैक्ट है, ये आप इधर देख सकते हैं। तो ये इनके साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो पेंशन देते रहे खुरम भाई। अब जो है मुझे गाड़ी की ज़रूरत थी, तो मैंने जो है खुरम भाई की गाड़ी वापस दे दें, तो 1 हफ्ते में खुरम भाई ने गाड़ी वापस कर दी है। मैं शाहिद तवारक, मेरी गाड़ी थी 7118 होंडा सिटी, मैंने खुरम भाई को दी हुई थी 50,000 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने गाड़ी तो वापस कर दी हुई है। मैंने अपनी गाड़ी दी थी खुरम साहब को मेन वाले, तो उनको मेरी गाड़ी थी बैरनार, तो वो मैंने फिर गाड़ी उनसे 1-2 महीना पहले हो गया मुझे गाड़ी ली है, 1.5-2 मंथ हो गया उनसे गाड़ी वापस ली है, ये हमारा एग्रीमेंट था। मेरी कार जो कि हरमैन कंपनी में रेंटल पीरियड पे लगी थी खुरम शहजाद साहब के पास, तो उनकी कंपनी के साथ जो भी मसला बना है मेरी, उस मसले के 2 दिन बाद मैंने अपनी गाड़ी का मुतालबा किया और मुझे मेरी गाड़ी शहजाद खुरम साहब ने वापस दिला दी। ये उनके साथ जो मेरा हुआ था स्टैम्प पेपर हुआ, और खुरम साहब के साथ मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। मेरा नाम मुदसर सईद है और मैं शेरपुर शरीफ से बिलोंग करता हूँ, और मैंने हरमैन ट्रैवल एंड टूर्स वालों के साथ यानी कि बिजनेस किया है, और उनको यानी कि गाड़ी 2 दफ़ा दी है, दोनों दफ़ा, एक दफ़ा होंडा दी है और एक दफ़ा करोला दी है, ठीक है। और जो मैंने उनको गाड़ी दी है उनका, उनके साथ जो मैंने एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट मेरे पास मौजूद है अभी भी, आज भी जो कि वो एग्रीमेंट किया है। ये गाड़ी की बुक है, ये गाड़ी का देखिए नंबर है, तो इनके साथ मैंने 15 माह गाड़ी चलाई है। ये मेरा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि जैसे मैंने उनको गाड़ी दी थी वैसे उन्होंने मुझे वापस कर दी। उसमें से जो बकाया गाड़ियां रहती हैं, इनमें से भी 3 गाड़ियों के कोर्ट में केसेस चल रहे हैं कि मतलब जिस बंदे ने गाड़ी ली थी उसने चीटिंग की, चीटिंग करके किसी आगे कोई कागज़ बना के वो गाड़ी बेच दी, वो भी गाड़ियां कोर्ट में मौजूद हैं, तो उनके केस चल रहे हैं, ठीक है। 4 या 5 गाड़ियां ऐसी हैं जो अभी तक मिसिंग की शक्ल में हैं। किसी की गाड़ी कट गई है, किसी की बिक गई है, किसी की गाड़ियों का कोई नामो निशान नहीं है। उसने इनसे फ्रॉड किया और इनने किसी को रेंट पे गाड़ी दी, तो ये आगे मेरी वीडियो में क्या कर रहे हैं जो है। और मेरी सलमान, राणा सलमान जिनने ये जो है स्टाम्प पेपर दिखाया, उनसे मेरी बातचीत होती रही, उनने मेरी वॉइस मैसेज जो है वो तो ऑन एयर कर दिया, लेकिन उससे पहले होने वाली बातें जो हैं उनने उनका जिक्र नहीं किया कि जब आप एक बंदे को थ्रेड करते हैं, जब आप एक बंदे को मीडिया की धमकियां देते हैं, तो बिलाखिर मैं क्या करूँ। मैंने इसे कहा कि भाई मैं आपके साथ हर किस्म का तावन करने के लिए तैयार हूँ, आप भी मेरे साथ तावन करें जो है, लेकिन ये है कि दिल ये की बात कि मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तो अब आ गई है मुझे कॉल कर रहे हैं कि जी बैठे हमारे साथ बात करें, तो यही बात मैं इन्हें पहले कह रहा था। तो जो है देखें, ये बिजनेस है, फायदे नुकसान जो है, हफीज सेंटर के अंदर आग लगी है, हफीज सेंटर के अंदर लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया, कराची के अंदर कुछ अर्सा पहले जब सैलाब आया लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया, तो देखें कारोबार है, कारोबार के अंदर फायदा नुकसान, मैंने कोई इनसे सूद पे तो ये चीज ली नहीं हुई थी, तो कितने ही इन्वेस्टर ऐसे हैं, मैं एविडेंस के तौर पे अगर आप कहें तो मैं आपको, मेरे पास यानी मौजूद है कि जिसमें वो इकरार कर रहे हैं कि मैंने उनको उनकी गाड़ियां वापस की हैं जो है।
और जो बाकी इस वक्त 4-5 गाड़ियों का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी एक गाड़ी रिकवर हुई है। हम सब से रابطे में थे, लेकिन असल इशू ये है कि हमने ये वर्कशॉप बनाई हुई है, ये 84R1 84R1 15 करोड़ रुपए मलियत का प्लॉट है जिसका इशू चल रहा था, जिसके हम किराएदार थे, हमारा जो हम टेनेंट है वहाँ पे बैठे हुए, लेकिन इन पोजेशन वो प्लॉट हमारे पास था। हमारा जो ओनर है उसका, फिर उसके अलावा नदीम अमजद लोगों का, उसके अलावा अब्दुल अजीज़ का, उसके अलावा मियां शरीफ है उसका, ये 4-5 पार्टियों का खुद के आपस में केसेस चल रहे थे। LDA ने ये प्लॉट कैंसिल कर दिया, मैं आपको उसके सबूत के तौर पे दिखा सकता हूँ कि LDA ने ये प्लॉट कैंसिल कर दिया है, और ये देखें उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि ये प्लॉट LDA की मलकियत है। ठीक है, अब इन्हें लाले पड़ गए सभी पार्टियों को कि किसी ना किसी तरीके से ये प्लॉट का कब्ज़ा इनसे छीन लिया जाए। अब उनके पास कोई आड़ नहीं बनी, वही जो लोग आते थे जिनकी गाड़ियां मिसिंग थी, हमारी उनके साथ बकायदा तरतीब के साथ बात चल रही थी। यानी कि आपके कहने का मकसद असल मसला आपके प्लॉट का है? प्लॉट का मसला है, असल मसला प्रॉपर्टी का इशू है। मैं आपको सबूत दे सकता हूं कि जो हम पे देखें, इन्होंने वकूआ किया हमसे, प्लॉट छीनने की कोशिश की है। ये मैंने दरख्वास्त दी है 15 पर 3 दफ़ा कॉल चली है, ठीक है, 24 तारीख की मेरी ये दरख्वास्त है। इसके बाबत मैंने बाई बी की रिट कर दी है, लेकिन इन्होंने अभी तक पुलिस वालों ने पर्चा नहीं दिया, जबकि उन्होंने इनसे मिली भगत करके SP साहब से, DSP साहब से, SHO साहब से साज बाज करके उन्होंने कॉल चलवाई। कॉल चलाने के बाद हमारे तमाम जो मुलाजमीन थे उन्हें गिरफ्तार किया, अपनी तरफ से 2 बंदे दे दिए, और उस पर 751 का पर्चा दे के बंद कर दिया और प्रॉपर्टी को सील कर दिया, शटर गेट नीचे करके ना एक वकूआ बना के तो ताले लगा दिए गए। फिर वेरी नेक्स्ट डे उन्हें पेश करना था कलंदरा बना के, तो इन्होंने पेश नहीं किया, उन्हीं लड़कों पर 3 पर कब्जे का पर्चा दे दिया गया, और उस पर्चे में मेरा भी नाम डाल दिया गया कि मैं हालांकि हॉस्पिटल में हूँ, 27 सितंबर से मैं हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा, तो ये पर्चा दे दिया गया और इस पर्चे में भी मेरा नाम लिखा हुआ है कि मुजम्मल खान, सरदार मुजम्मल खान और खुर्रम शहजाद, जबकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, वेरीफाई किया जा सकता है। सारा जुल्म हो रहा है, इस प्रॉपर्टी की वजह से ज्यादती हो रही है, हमारा इन्होंने कब्जा भरपूर तरीके से पुलिस की मदद से, पुलिस की मामनत से इन्होंने मेरे मुलाजमीन को जुदोकोब किया, इन पे पर्चे दिए, ये मुझ पर झूठी FIR रजिस्टर्ड की हैं, और वो जो बेबुनियाद और झूठे मुदई बनाकर एग्रीमेंट बनाकर हमारे सामने आने की बजाय, वो अभी इन्होंने जो पर्चा दिया है, अगर एग्रीमेंट खुर्रम शहजाद ने किया किसी एक बंदे के साथ एग्रीमेंट किया है तो खुर्रम शहजाद पे पर्चा होना चाहिए। ऐसे ही होता ना, एक बंदा चेक किसी को देता है तो चेक का पर्चा उसी के खिलाफ हो सकता है, दूसरे बंदे के खिलाफ नहीं होता। एक बंदे ने अगर एग्रीमेंट साइन किया है 1200 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, तो वो पर्चा उसी बंदे के खिलाफ हो सकता है ना जिसने पेपर साइन किया है। तो इन्होंने कोई भी पर्चा जो है 6-6, 7-7 लोगों पर पर्चे दे दिए, जितने दोस्त अहबाब हैं, जितने मिलने वाले हैं, इन्होंने 5 FIR दर्ज किए हैं, ठीक है, जिसमें कब्जे की FIR है, जिसमें वो कलंदरा 751 का कलंदरा बनाया है, जिसके अलावा इन्होंने मनगढ़ंत और झूठी FIR दी हैं, जिसमें मेरे तमाम दोस्तों को जो यहाँ पे मौजूद भी नहीं, जिस तरह मैं हॉस्पिटल में था, वो भी अपने अपने बिजनेस पॉइंट पर बैठे हुए थे, इन्होंने उन पर FIR दे दी। उस वीडियो में जो एक ऑडियो सुनाई गई है वो आपके वाकई आपके भाई की है? वो वाकईतन ही मेरे भाई की है। उसमें तो उन्होंने अपना मीडिया को भी मजाक बनाया और कानून को भी, उसके बारे में क्या कहेंगे? जब किसी को ना जिच करने की कोशिश की जाए, बार बार उसे तंग किया जाए, बार बार उसे टेंशन दी जाए, हर बंदे का असाबी निज़ाम एक जैसा नहीं होता, ठीक है, तो बंदा कहता है भाई जो तुमसे होता तुम कर लो। लेकिन वो ऑडियो क्वालिटी और उनका जो स्टाइल ऑफ टॉकिंग है वो लग नहीं था रहा कि ताए उकताहट के शिकार हैं? नहीं, वो उस वक्त कहीं, ये पुरानी उन्होंने रिकॉर्डिंग की हुई है, ये कोई मौजूदा रिकॉर्डिंग नहीं है। इनसे तो मैटर देखें किसी से चलता है ना, ये 3 महीने पहले का वकूआ है, जो फैसलाबाद में वकूआ हुआ है ना, ये 3 महीने पहले हुआ है, उसके बाद थाना नवाबटोन की FIR दर्ज हुई है, जिसमें वो 5 गाड़ियों का मुदई है खुर्रम शहजाद खुद, कि हमारी 5 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। ये देखें, ये FIR वही FIR है 406 की, ये FIR है, इसका FIR का नंबर है, आप FIR का नंबर है 1838A18, ये देखें, ये FIR का नंबर लिखा हुआ है,
थाना नवाब टाउन में FIR दर्ज है और खुर्रम शहजाद की मुतय्यत में दर्ज है, ये इस तरफ लिखा हुआ खुर्रम शहजाद की 5 गाड़ियों की FIR है। और ये देखें एड्रेस नीचे मेंशन है, ये 84R1 का एड्रेस मेंशन है। तो ये सारा ना इस वक्त चक्कर 84R1 का कब्जा छीनने का है, जो हमें बदनाम करने की कोशिश की गई है, जो परेशान करने की कोशिश की गई है कि एक भाई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, दूसरा भाई गाड़ियां कलेक्ट करने में लगा हुआ है। ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे गाड़ियां थी, जो मैंने अपने छोटे भाई को बोला कि भाई तुम पहले सबसे पहला काम ये करो, जिन जिन लोगों की गाड़ियां चल रही हैं वो तमाम गाड़ियां क्लोज करवाओ, जब इनके वाजबात का मसला है, पैसों का मसला है, बाद में डिस्कस किया जाए। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि तमाम गाड़ियां क्लोज होनी चाहिए। तो वो उसी तगोदो में लगा हुआ था कि साहब की गाड़ियाँ क्लोज होएँ, और इन्होंने इधर से ये झूठा मनगढ़ंत बेबुनियाद वकूआ बना के हमें बदनाम करने की कोशिश की। अब आपको क्या लगता है कि कानून आपकी आपकी इसमें कोई मदद करेगा? देखें, हमें कन्फर्म हो गया है कि पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी, कि पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस उनकी खैर ख्वाह बन चुकी है। हमारे साथ ज्यादती हुई, हमने वो ऑन रिकॉर्ड लेके आए, हमारे पास स्लिप है थाने की, इधर से हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। अगर 155 मेरी कॉल पहले चली हुई है, मैंने पहले लिखवाया है, रिपोर्टिंग करवाई है कि ये ज्यादती कर रहा है, ठीक है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हम अब कोर्ट में चलेंगे, भाई से भाई भी की रिट की हुई है, ठीक है। मैं कल CCPO साहब के पास गया था, CCPO साहब ने बोला कि आप DSP चूंग को मिलें। मैं DSP चूंग के पास गया, DSP चूंग से मेरी मुलाकात हुई, मुझे उन्होंने कहा ये सारे कागजात आप लेके आएँ, मैं आपके कागजात वेरीफाई करूँगा तो फिर इस पर पर्चा देंगे। लेकिन मैं आज दोबारा जब DSP चूंग को मिला, तमाम कागजात भी चेक करवाए, तो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा यार ऊपर से बहुत प्रेशर है। आप आला हुकाम से क्या मुतालबा? मैं आला हुकाम से ये मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह का माइंड सेट है कि CCPO साहब जो है कब्ज़ा ग्रुप और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि जो कब्ज़ा माफिया है, जिन्होंने हमारे इस पोजेशन को ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश की है, तो मैं यही चाहता हूं कि CCPO साहब एक्शन लें, खुद इसकी तहकीकात अपनी टीम से करवाएं कि क्या आपके SP और DSP हजरात तो बीच में मुलव्वस नहीं है, क्योंकि ये 15 करोड़ रुपये मलियत का प्लॉट है। मेरी यही रिक्वेस्ट है वज़ीर साहब से, CCPO साहब से, कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, ये जो हम पे झूठे मन गलत इन्होंने पर्चे दर्ज किए हैं, इनको फिल फौर खारिज करवाया जाए। नाज़िर, ये थे अल हरमैन ट्रांसपोर्टर्स के सरदार मुजम्मिल साहब, आपने इनका मौक़िफ सुना। हमारा काम था असल हकायक आपके सामने रखना, अब ये आपने देखना है और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने देखना है। मेरी गुजारिश अपने तमाम एंकर साहिबान से भी है कि अवाम के सामने पूरा सच रखना चाहिए, ना कि अधूरा सच। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए उर्दू मीडिया। अपने मेज़बान फैसल अकरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।